दोस्तों रोहित शर्मा ने केएल राहुल की पीठ में घोपा छुरा, अब खुद चुनेंगे नया टीम इंडिया का कप्तान, नया उप कप्तान। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और चौथे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी है। ऐलान की गई टीम में कोई बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन सलामी बल्लेबाज केएल राहुल को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि टीम चयनकर्ता ने राहुल को उप कप्तानी पद से हटा दिया है। लेकिन BCCI ने अब तक किसी को वाइस कैप्टन नहीं नियुक्त किया है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड ने अधिकार कप्तान रोहित शर्मा को दिया है कि वो किसको उप कप्तान बनाना चाहते हैं और किसको नहीं। दरअसल दोस्तों बीते दिन यानी 19 फरवरी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 के तीसरे और चौथे मुकाबले के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी थी। और इस मुकाबले में टीम की कमान तो रोहित शर्मा के हाथों में ही होगी, लेकिन टीम के उप कप्तान का अब तक पता नहीं चल सका है, क्योंकि भारतीय चयनकर्ताओं ने केएल राहुल से उप कप्तानी छीन ली है। हालांकि खबरें हैं कि उन्होंने वाइस कैप्टन नियुक्त करने की जिम्मेदारी कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर डाल दी है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित को चयनकर्ताओं और प्रबंधन ने उप कप्तान नियुक्त करने का अधिकार दिया है। भारतीय बोर्ड ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि आखिर क्यों उन्होंने केएल राहुल को उप कप्तान नहीं बनाया, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि खराब फॉर्म के चलते उनसे ये पद छीन लिया गया है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि केएल राहुल को उप कप्तान से हटाए जाने के बाद अब किसे ये जिम्मेदारी मिलेगी। सीनियर खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा इस रेस में सबसे आगे हैं, क्योंकि उन्हें इस उप कप्तानी का अनुभव है। वो पहले भी टीम इंडिया के वाइस कैप्टन का भार संभाल चुके हैं। उन्होंने हाल ही में दिल्ली में अपने टेस्ट करियर का 100वां मुकाबला भी खेला है, और उनका एक्सपीरियंस टीम के लिए काफ़ी काम आ सकता है। तो दोस्तों कौन होगा वो खिलाड़ी जो कि उस उपकप्तान की मतलब भूमिका को अदा कर पाएगा, इस पर आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। क्या वो रोहित शर्मा के अलावा क्या वो विराट कोहली हो सकते हैं जो इनको उपकप्तान बनाया जा सकता है, लेकिन विराट कोहली को उपकप्तान नहीं बनाया जाएगा क्योंकि उन्होंने खुद अपनी इच्छा से ये पद छोड़ा था। तो उनके अलावा कौन है ऐसा टीम में जिनको ये पद दिया जा सकता है? क्या वो श्रेयस अय्यर हो सकते हैं या फिर कोई और खिलाड़ी? क्या वो मोहम्मद शमी हो सकते हैं? कोई और खिलाड़ी हो सकता है? तो इस पर आप अपनी राय जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।